नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड। चलिए आज बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल पूरे विश्व में सबसे महंगी लीग मानी जाती है और आईपीएल देखना किसे पसंद नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं आईपीएल के ऑक्शन के बारे में। आईपीएल 2022 की शुरुआत होने वाली है, जिसके चलते मेगा ऑक्शन का बाजार भी सज चुका है। इस बार की नीलामी बाकी सालों से ज्यादा खास है। इस बार मैदान में 8 नहीं बल्कि 10 टीमें भाग लेंगी। इस बार 590 खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। आने वाली 12 व 13 फरवरी को टीमें अपने तरकश में तीर भरने के लिए बोली लगाएंगी। आज आपको बताएंगे इस मेगा ऑक्शन के बारे में हर खास बात। आईपीएल के मेगा ऑक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट आ गई है। 10 टीमों के पास खाली पड़े 217 स्लॉट्स के लिए कुल 590 खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। इंडियन प्रीमियर लीग को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे महंगी लीग कहा जाता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस लीग के मेगा ऑक्शन के लिए 19 देशों के 1214 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले सीजन में 8 टीमें मैदान में ट्रॉफी का रन लड़ रही थी, पर इस बार की तस्वीर थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार 10 दल इस रण का हिस्सा होंगे। 2 नई टीमें आईपीएल में आई है, जिनमें पहली टीम लखनऊ की है, जिसे संजीव गोयनका के आरपीएसजी ने 7,090 करोड़ रुपए में खरीदा है। दूसरी टीम है अहमदाबाद की, जिसे सीवीसी ग्रुप ने 5,625 करोड़ में खरीदा है। इस प्रकार से इन 2 टीमों ने आईपीएल में शामिल होने के लिए करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जीतने वाली टीम को मात्र 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। नीलामी के लिए उतरने वाले 590 खिलाड़ियों में से 228 खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेल चुके हैं, वहीं 335 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। यानी इन खिलाड़ियों को अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं है। 7 खिलाड़ी एसोसिएट देश से हैं। 2 दिन तक चलने वाले मेगा ऑक्शन में इस बार कई नए खिलाड़ियों को नीलाम होते देखा जा सकेगा। इन नए खिलाड़ियों में कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन पर सबकी निगाह रहेगी। कई युवाओं पर टीमें बड़ी बोली लगाएंगी। अगर इन नामों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है डेवाल्ड ब्रेविस का, जिन्हें जूनियर डिविलियर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रदर्शन हाल फिलहाल में काबिल तारीफ रहा है। इनके अलावा भारतीय अंडर 19 टीम के तेज गेंदबाज राजवर्धन हंगरगेकर को मेगा ऑक्शन में अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद की जा रही है। वर्ल्ड कप में हंगरगेकर कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी के साथ साथ ये खिलाड़ी बल्ले से भी अपना कमाल दिखा रहा है। आखिर में कई बड़े खिलाड़ियों पर दाव खेला जाना है। फाइनल लिस्ट में 48 खिलाड़ी 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइज वाले हैं, वहीं 20 खिलाड़ियों का बेस प्राइज करीब 1.5 करोड़ रुपए है और 34 खिलाड़ियों का बेस प्राइज 1 करोड़ रुपए है। बेस प्राइज का मतलब आपको बता दें कि इन खिलाड़ियों पर बोली की शुरुआत इसी राशि से होगी। डेविड वार्नर, अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, पैट कमिंस, क्विंटन डिकॉक, धवन, फाफ डुप्लेसिस, श्रेयस, कगिसो रबाडा और शमी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनकी बेस प्राइज 2 करोड़ रुपए है। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही, और अब देखना यह होगा कि इस ऑक्शन में कौन से खिलाड़ी को कितना पैसा मिलता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज।